नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आयुर्वेद से संबंधित है, आयुर्वेद पर आधारित है और आयुर्वेद के बारे में आप भली भांति से परिचित हैं। आयुर्वेद पूर्णतः वैज्ञानिकता पर आधारित है और आयुर्वेद के माध्यम से हम तमाम ऐसे छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े असाध्य रोग तक को भी जड़ से समाप्त कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है वो कुछ हद तक हमें बारीकी से समझनी होती है। वो सारी प्रक्रिया आपको बहुत ध्यानपूर्वक समझनी भी होती है, उसका अध्ययन भी करना होता है और जिस तरीके से बताया जाता है उस तरीके से ही आपको उसका अनुसरण भी करना होता है, तभी हम हर प्रकार के रोगों को दूर कर सकेंगे। और बेसिकली आयुर्वेद का सबसे बड़ा जो एक मूल मंत्र है, रोग को शुरू होने से पहले ही समाप्त कर दो ताकि वो रोग बन ही ना पाए। कोई भी परेशानी, कोई भी पीड़ा आपको जब शुरू होती है तभी यदि आप उसका आयुर्वेदिक तरीके से उपचार कर लें तो वो रोग बन ही नहीं पाएगी। ऐसे ही तमाम विषयों पर हम इन कार्यक्रमों में चर्चा करते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, असाध्य रोग विशेषज्ञ, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। दर्शकों, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, बहुत सारी ऐसे रोग हैं, बीमारियां हैं जो अक्सर हमारे साथ पनप तो जाती हैं लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते। महसूस तो होती हैं लेकिन कभी हम उन पर उनको गंभीरता से नहीं लेते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक समय आने पर जब वो अपना रूप दिखाती हैं, विकराल रूप दिखाती हैं, तब हमारे पास पछताने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। तो ये सब चीज़ें आपके साथ ना हों, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के रोग से ना ग्रस्त रहे, तो इसीलिए हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं ताकि आपके अंदर हम वो जागरूकता उत्पन्न कर सकें, आयुर्वेद के प्रति आपका रुझान बढ़ा सकें और आप तक वो जानकारी दे सकें जिसके माध्यम से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और इसीलिए हम ये कार्यक्रम भी लाते हैं और इन सभी विषयों को आप सभी को हम ये ध्यान भी दिलाते हैं कि नोट ज़रूर कर लिया करें। जब भी कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। और यदि आपके साथ किसी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए संदेश भेज सकते हैं, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के संक में हम बात करने जा रहे हैं इंद्रिय को लेकर। इंद्रिय जो होती हैं वो जब मनुष्य का जन्म होता है, यानी पुरुष का एक लड़के का जन्म होता है, तो उसी के साथ पूरे जो अंग होते हैं सभी प्रकार के वैसे ही विकसित होते हैं प्रकृति जो स्वाभाविक तौर पर। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों के साथ इस तरीके की दिक्कत होती है, या तो बचपन से जो इंद्रिय जो आकार होता है वो कमज़ोर रह जाता है, पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। और ये सबसे ज़्यादा दिक्कत तब होती है जब वो व्यक्ति एक उम्र विशेष में पहुंचता है और जब वो गृहस्थी जीवन बसाने को शुरू करता है अपना जीवन, तब वो समस्या उसके सामने खड़ी हो जाती है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आखिर इस तरीके की समस्याएँ उत्पन्न होने के कारण कौन कौन से होते हैं। देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है जी, उस टाइम उसके अंगों में किसी किस्म का नुकसान, सब अंग बिल्कुल ठीक होते हैं। अच्छा। परंतु बाद में कुछ परिवार ऐसे हैं जो कि ठंडी चीज़ों का सेवन लड़कों को ज़्यादा करा देते हैं। ठंडी चीज़ों का सेवन जो है इसका ज़्यादा कर इंद्रिय पे बहुत बुरा असर पड़ता है, इंद्रिय का जो विकास होना वो रुक जाता है ठंडी चीज़ें। ठंडी चीज़ें जैसे? जैसे आपने फ्रिज में रख के पानी पिलाया जी, आपने आइस ग्रिप ज़्यादा खिलाई, ऐसी कई चीज़ें हैं जी 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 जिनकी तकसीर ठंडी है, जो अंदर जाके खून का सर्कुलेशन कम करती है। जब लड़का 12 से 13 साल का होता है तो इसकी इंद्रिय का आकार ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाता है और 18 साल की उम्र में किसी का 7 इंच, किसी का 9 इंच, किसी का 11 इंच तक लंबाई चल जाती है और सबकी एक जैसी लंबाई नहीं होती।
अब यदि 18 साल की उम्र होगी और लंबाई आपकी 4 इंच या 5 इंच रहेगी, इससे ऊपर नहीं जा रही है, फिर इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है। और मेडिकल में इसका पूरे संसार में इलाज नहीं है, परंतु मैं नाड़ियाँ वैध होने के अनुसार जड़ी बूटियों का, जिन चीज़ों का मुझे ज्ञान है, उससे मैंने ये रोगों पर ऐसे सफलता प्राप्त की है, जैसे वर्षा ऋतु में बंजर जमीन में नमी आने पर हरियाली छा जाती, ऐसे उनके शरीर का आकार पूर्ण कर दिया जाता है। और महीने में ऐसे मेरे पास 3 और 4 केस अभी भी आते हैं। जब नाड़ी पुरुष में उनको बताया जाता है कि देखिए आपकी इंद्री में नुक्स है, तो कोई तो शर्म के मारे नहीं बताता पूरा, और जो शर्म नहीं करते बताते हाँ जी ये कमी है। फिर उसके बाद उनको बताया जाता है कि देखिए खाने पीने में ये चीज़ें हैं, और इंद्री पे आपको 2 चीज़ों का प्रयोग करना पड़ेगा, एक तो गाय का घी चाहिए और बकरी का कच्चा दूध चाहिए। सुबह नहाने के बाद इंद्री को बकरी के दूध से कम आधा घंटा तक दूध से अच्छी तरह मालिश करनी है, परंतु जो इंद्री का सुपारी है उसकी तरफ को चमड़ी खींच लेनी है, और जहाँ से इंद्री की जड़ है वहाँ से लेके और सुपारी से नीचे नीचे उसकी मालिश करनी है। मालिश करने के आधे घंटे के बाद उसमें गाय का घी हल्का गर्म करके उसकी मालिश करनी है, और फिर महुए का पत्ता, उसमें भी गाय का घी लगा के उसको लबोट बांधना। तो जब इस प्रकार से उसको ये कर्म कराया जाता है 1.5 महीना, तो 1.5 महीने में उसका आकार जिसका 4 से 5 इंच के अंदर होता है, किसी का 7 इंच पे जाके रुकता है, किसी का 9 पे, किसी का 11 पे, परंतु ये क्रिया जो है ये आपकी शादी होने से पहले होती है, शादी होने के बाद ये क्रिया फिर काम नहीं करती, इस बात पे विशेष ध्यान देना। और 18 से 20 साल के बीच में ये क्रिया काम करती है, इसके बाद भी काम नहीं करती। कहीं आप बाद में 25-30 साल या 40 साल के बाद चाहें कि ये बन जाए, तो वो नहीं बनेगी, इस बात पर विशेष ध्यान देना। और मेरे पास जो भी आज तक केस आए वो आए हैं 15 साल से लेकर 18 साल के अंदर के, जब उनकी इंद्री 10-12 साल के बच्चे की इंद्री के बराबर रह गई, उसमें जो लंबाई मोटाई बढ़नी नहीं बढ़ती थी, तो जब भी उनको दवाइयाँ दी और ये नुस्खे बताए, तो किसी को 6 महीने लगे, किसी को 1 साल लगा, उन इंद्रियों का साइज भी पूरा आ गया, जो आकार थे सब ठीक हो गए, और शादी होने के बाद आज अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं कि मैंने थ्योरियाँ पढ़ी है कि कैसे क्या करना है, मैंने जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त किया है। आज मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और डांके की चोट पे कहता हूँ कि जब कोई हर जगह इलाज करा के हार जाए, जिसका उपचार कहनी है उसका उपचार मेरे पास है। बीमारी कोई भी है, ना तो कागज पत्र लाना आपने, ना मुंह से बोलना कि मुझे तकलीफ है। बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना, सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना, 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ACG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में,
उसमें जो भी कमियां शरीर के अंदर पाई जाती हैं दवाइयां सब दी जाती हैं, दवाइयां खाने की हैं, दवाइयां पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डाल के दवाई, जहाँ भी कोई भी नुकसान वो दवाइयाँ सारी दी जाती हैं। अब आपको इस टाइम इस बात से बहुत बड़ा शौक लगेगा कि चाहे आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, चाहे यूनानी हैं, चाहे होम्योपैथिक है, चाहे नेचुरल चिकित्सा वाले हैं, चाहे एलोपैथिक है, आप देखेंगे कि जैसे ही 30 से 35 साल उम्र चली जाती है सब अपना आंखों पे पड़ने का चश्मा लगाते हैं और किसी किसी के तो चश्मा जन्म से लग जाता है, परंतु मेरी आंखों पे किसी किस्म का चश्मा नहीं है। और आजकल बाल जो 20-22 साल की उम्र में सफ़ेद होने शुरू हो गए, मेरे आज इस आयु में बाल देखो दिन पर दिन काले होते जा रहे हैं। तो मेरे अपने अनुभव है जिनसे मैं शरीर में वातावरण लाता हूँ, मेरी उम्र के जितने भी पुरुष हैं औरतें हैं वो लाठी के सहारे चलती हैं, आज मैं बिल्कुल नौजवान की भांति चलता हूँ। तो ये सारा जड़ी बूटियों की देन है और योग की देन है। सुबह 4 बजे उठ करके आधा घंटा कपाल भाटी, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार जई, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन वलोन जो करता है उसको जिंदगी में कभी किसी किस्म की दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके साथ साथ यदि उसके पास टाइम है तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, सब आसन, सर्वांगासन, हल आसन, शीश आसन, इतनी क्रिया कर लेते हैं तो आखिरी सांस तक कभी उसको किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही उसको कोई रोग होगा। मेरा नाम त्रिलोक चंद है, मैं करनाल से आया हूँ। तो मेरे को एलर्जी थी ये, तो इसके अंदर मैंने बहुत दवाई ली है, काफ़ी सोजिश भी रहती थी, मैं चल फिर भी नहीं सकता था। पहले शुरू शुरू में दाने दाने निकलते थे और वहाँ से खारिश हो के सफ़ेद सफ़ेद सा पपड़ियाँ आ जाती थी। मैंने बाहर से भी, यूएसए से भी और इंडिया से भी काफ़ी दवाई ली, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने गुरुजियाँ का टीवी के अंदर इंटरव्यू सुना तो मेरे को वहाँ से होया भाई मैंने यहाँ चेक करवाना चाहिए, तो मैं यहाँ आया, यहाँ गुरुजियाँ ने मेरे को चेक किया तो मेरे को दवाई दी। पहली बार 15 दिन की दवाई दी तो मेरे को जौन सी बीमारी थी ये सारी बाहर आज निकली है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली गई। अब मैंने 2 बार दवाई खाई है 15 महीने की, महीने के अंदर मेरे को 70% आराम है। हाँ, मेरा नाम मगनचंद यादव, मैं आगरा का निवासी हूँ और काफ़ी दिन से मैं मतलब पेट की बीमारी और डायबिटीज़ और उसके अन्य व्यवस्थाएँ जो मेरे शरीर की बिगड़ी हुई थी, मैं अंग्रेज़ी दवाई करते करते थक गया। करीबन 10 साल से मैं इस रोग को भुगत रहा था। आखिर में टीवी के माध्यम से मुझे स्वामी जी का पता चला, उसके बारे में फिर मैं यहाँ आया। जब उन्होंने नवस देखा, मुझे बताया कि ये परेशानी है और इस निचले हिस्से को क्यों नहीं ठीक करते हो, तो मेरे हिसाब में इसी आशा से आपकी शरण में आया हूँ और मैंने दवा ली और मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। फिलहाल दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार जी। नमस्ते जी, क्या शुभ नाम है आपका? जी गुरु जी नमस्ते। जी अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम मनोज कुमार है। मनोज जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मनोज जी मैं सर बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश मैनपुरी से बोल रहा हूँ। जी गुरु जी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? सवाल हमारा ये है कि हमको तकलीफ रहती है, पेशाब में जलन रहती है, पीली पेशाब आती है, पेट में जलन रहती है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, हमको ये समस्या रहती है, मेरा डाइजेशन खराब रहता है। जी देखिए बेटा, जब किसी का लीवर की पाचन शक्ति कमजोर पड़ जाए
लीवर पूरा पचायनी, पैंक्रीन इंसुलिनी बनाएगी, खाया पिया पेट में सड़ेगा, तो ये सारे रोग पैदा होते हैं। और इसका इलाज आज आयुर्वेद में, नानी होम्योपैथी नेचर में नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद तो दवाइयाँ बनानी, जो फार्मेसी से दवाइयाँ बन के आती हैं उन्हीं को देते हैं। अब उन पे हम उनका कसूर नहीं कह सकते कि डॉक्टरों का कसूर है, वो कसूर है उन दवाइयाँ बनाने वालों का। और जो है आज हमारा एलोपैथिक, इसमें तो हर एक रोग को दबाया जाता है, किसी रोग को काटा नहीं जाता, परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है जिसमें ना तो रोगी मुँह से बोलता है कि मुझे तकलीफ है, ना कागज पत्र लाता है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें, सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ, नाड़ी परीक्षण में 5 सेकंड में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ACG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसमें जो भी कमियाँ शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं, दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से खाएंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपके पेशाब में जो जल ना, उसमें तो कम से कम 15 से 20% का आराम मिल जाएगा। जो आपको गैस बनती, पेट अच्छा साफ नहीं होता, जिस दिन आएंगे उसी दिन से पेट नॉर्मल साफ होना शुरू हो जाएगा। जो आपके लीवर की पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ गई थी वो पूरा काम करना शुरू करेगी, क्योंकि यहाँ पे जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है, किसी किस्म का केमिकल नहीं दिया जाता। और यहाँ पे जो नब्ज में रोग मिलता है सब दवाइयाँ इकट्ठी मिलती हैं, किसी एक रोग की दवाई नहीं देते। और इसमें सबसे ज़्यादा परहेज है, ठंडा पानी नहीं पीना, चाय नहीं पीनी, चीनी का सख्त परहेज है, पंखे कूलर AC से दूर रहना पड़ता है, सब्जियाँ दालें छिलके वाली खानी पड़ती हैं, ताज़ा गर्म खाना खाना पड़ता है, खाने में जो भी अनाज लेना है उसका छिलका नहीं निकाल के फेंकना, तब जाके उपचार होता है। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें बिल्कुल संभव हैं तब जब आप स्वस्थ विचार आश्रम आएंगे। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके TV स्क्रीन पर है। अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है जगदीश राजपूत जी हैं और ये बात कर रहे हैं हरियाणा से, और इन्होंने अपना सवाल पूछा है सीने के एक साइड, मतलब जो सीना है उसका बाएं साइड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, हड्डी बड़ी हुई है, और डॉक्टर्स कहते हैं इसका कोई उपचार नहीं, ऑपरेशन से भी हड्डी, बड़ी हुई हड्डी को कम नहीं किया जा सकता। इसमें हालांकि इन्हें दर्द तो नहीं होता, लेकिन कभी कभी जब जोर पड़ता है सीने पर तब थोड़ा सा इन्हें हल्का सा पेन उठता है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हड्डी कभी नहीं बढ़ती, जो नज़ला जाके कहीं रुक जाए वो हड्डी जैसा कार बन जाता है, और फिर ये जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, खून का दौरा वहाँ रुक जाता है, तो इससे जाके कैंसर भी पैदा होता है। अब TV के माध्यम से तो इसका उपचार कोई नहीं है। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए, जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें, सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा, नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसके बाद जो जो कमियां शरीर में मिलेंगे सब दवाइयाँ दी जाएंगी, दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि वहाँ पे नज़ला रुका होगा तो उसके लिए एक पाउडर और एक तेल दिया जाएगा, उस पाउडर को तेल में घोल के उसके ऊपर जैसे मेहंदी का लेप करते हैं ऐसे लेप करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर डॉक्टर वाली रुई लगा के ऊपर से खाकी रंग की सेलो टेप से उसके ऊपर पट्टी करनी पड़ेगी, 24 घंटे बाद ये पट्टी खोलनी पड़ेगी, दूसरी पट्टी करनी पड़ेगी। यदि आप नियम से करते हैं, परहेज करते हैं, और सुबह 4 बजे उठ के आधा घंटा कपाल वाटी, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उजई, 25-30 बार भ्रमणी, 1 घंटा लोन व्रोन करते हैं, तो चाहे आपका 10 साल का रोग है चाहे 15 साल का रोग है, 1-1.5 महीने में रोग बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो बिल्कुल रोग तो आपका ज़रूर दूर होगा, लेकिन इसके लिए स्वस्थ विचार आश्रम आना बहुत ज़रूरी है। और हालांकि गुरु जी ने इस बात को लेकर आपको सचेत भी किया है, कहीं ऐसा ना हो
इस जो आपने कहा कि दर्द नहीं भी होता है और कभी कभी होता है तो बहुत हल्का सा होता है, इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। और गुरु जी ने सचेत किया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रोग आगे बढ़कर एक जानलेवा रोग के ऊपर सामने आए, तो ये सब चीज़ें आपके साथ ना हो इसलिए आप स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है हेमंत अरोड़ा जी हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं झालावाड़ राजस्थान से, और इन्होंने अपना सवाल पूछा है कि इनके नाक से गर्मियों के समय में बहुत ज़्यादा नकसीर फूटती है, यानी खून जो बहता है वो सबसे बहुत ज़्यादा होने लगता है। इनको अपने साथ हमेशा एक पट्टी रखनी पड़ती है, कभी कभी ऐसी कोई दिक्कत हो तो रोका जा सके। देखिए, ऐसे पूरा उपचार तो होगा नाड़ी परीक्षण के बाद। टेम्परेरी उपचार के लिए आप ऐसा कीजिए कि नींबू का रस निकाल के कपड़े से छान के अपने पास ड्रॉपर में रख लें, और जब भी आपको नकसीर फटे आप लेट करके चार चार बूंद दोनों तरफ नाक में डाल लें, तो उससे आपको टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगी और नकसीर आपकी बंद हो जाएगी। हफ्ते के लिए हो, 10 दिन के लिए हो, ये मैं नहीं कह सकता, परंतु उसके बाद जब नाड़ी परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद जो दवाइयाँ दी जाएंगी, अब आपकी परमानेंट नकसीर बंद हो जाएगी। परंतु यहाँ का आने का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहना, सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दूँगा। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जो नाक में आपके दवाई डाली जाएगी उसके बाद आपको ज़िंदगी में कभी नकसीर नहीं आएगी। जी दर्शकों, आप हमारे इन कार्यक्रमों में बताए गए तमाम उन नुस्खों को विशेष तौर पर पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को रोज़ाना आप 10 से 15 मिनट भी पढ़ते हैं तो अधिकांश रोगों को घर बैठे दूर कर सकते हैं। पुस्तकें मंगवाने के लिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरु जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाजत। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।